ममता बनर्जी ने ही आतंकवादियों को उकसाकर वहां के हिंदुओं को भगाने का काम किया। पाकिस्तानी आईएसआई के जो एजेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जो वहां के आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ने के लिए जो सुरंग का निर्माण कराया है, बिना ममता बनर्जी के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए। बांग्लादेश में जो दुर्घटना हुई है उसके पीछे पाकिस्तान कारण है, उसके पीछे पाकिस्तान कारण है, और उसके पीछे भारत के कुछ तथाकथित नेता लोग अपने पड़ोस में अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें मुख्य षड्यंत्र ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने वहां के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों को परेशान किया, भक्तों को परेशान किया, और बांग्लादेश के आतंकवादियों को ये कहा कि वहां से हिंदुओं को भगाओ। ये ममता बनर्जी ने काम किया है, और ममता बनर्जी ने ही वहां पर आतंकवादियों को उकसाकर वहां के हिंदुओं को भगाने का काम किया। और आज परिस्थिति आ गई है कि वहां की प्रधानमंत्री शेख खालिदा भारत में आ गई हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको यहां सुरक्षा दिया है, वो यहां सुरक्षित हैं। लेकिन आतंकवाद का जो प्रारूप बांग्लादेश में देखा गया, शायद ही ऐसा आतंकवाद आज तक विश्व में कहीं देखा गया होगा। लेकिन ये सारा काम पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी आईएसआई के जो एजेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत दखलंदाजी दे, और भारत को चाहिए कि इस समय अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सेना को लगाकर भारतीय अस्मिता की सुरक्षा के लिए काम करे, जिससे वहां के आतंकवादी भारत में प्रवेश न करने पाए। और मुझे ऐसा पता चला है कि सामाजिक समरसता को, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने जो वहां के आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ने के लिए जो सुरंग का निर्माण कराया है, बिना ममता बनर्जी के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए। कि सामाजिक समरसता को, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने जो वहां के आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ने के लिए जो सुरंग का निर्माण कराया है, बिना ममता बनर्जी के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए कि तुमने अपने ये पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की सुरंग क्यों बनने दिया। इसका मतलब है कि आतंकवादियों का साथ साफ शब्दों में ममता बनर्जी दे रही है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसके माध्यम से समाज के लोगों को सतर्क रहने का संदेश आज मैं अयोध्या के संतों की ओर से दे रहा हूं।